कराची में आल पाकिस्तान HEC इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब का आगाज। इकरा यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम आल पाकिस्तान HEC इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट की दो रोज़ा इफ्तिताही तकरीब चीफ गेस्ट BC इकरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर वसीम काजी, असीम हुमैर और दीगर ने इफ्तिताही तकरीब का आगाज रिबन काट कर किया। तकरीब का इनेकाद इस्लामिया क्लब कराची में हुआ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान समेत सूबा सिंध समेत मुल्क भर से 14 टीमों ने हिस्सा लिया। तकरीब में शरीक मेहमानों का कहना था कि ऐसी तकरीब हर जगह होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेबल टेनिस का एक इवेंट हो रहा है और इकरा यूनिवर्सिटी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और पूरे पाकिस्तान से 14 टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। और जिस तरीके से आज हम लोग देख रहे हैं कि मुश्किल हालात से निकल रहे हैं, कोविड के जो हालात कोविड को हम फेस कर रहे थे और उसके बावजूद अब ज़िंदगी जो है अब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इजीली पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज दे सकते हैं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, क्योंकि जितना भी यहाँ पे न्यू टैलेंट आएगा वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। पाकिस्तान का स्पोर्ट्स में जो एक अब देख रहे हैं ना कि थोड़े से मिसिंग है कुछ चीज़ें, तो पाकिस्तान में हर फील्ड में हर इवेंट में पाकिस्तान का नाम इतना ऊँचाई पर जाना चाहिए कि पूरी दुनिया को लगे कि पाकिस्तान हर शोबे में तो आगे है, लेकिन स्पोर्ट्स जो एक बेसिक है जो अमन का पैगाम देता है उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर है। मेरी पर्सनली ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का नाम स्पोर्ट्स में इतनी बुलंदियों पर जाए कि पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान हर फील्ड में स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो उसमें पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होना चाहिए। और स्पोर्ट्स से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम पुरअमन कौम है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद शिराजुल हसन मोहानी है और आई एम डायरेक्टर स्पोर्ट्स इकरा यूनिवर्सिटी। और ये इवेंट जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी करा रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ HEC। बेसिकली ये 14 टीम्स ने जो है वो ज्वाइन किया और इन्होंने डिफरेंट जोन्स में अपने अपने जो है वो कंपटीशन करने के बाद यहाँ तक पहुँची हैं। तो ये फाइनल राउंड है, 14 टीम्स पार्टिसिपेट करी फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, जिसमें जो है वो सरहद की टीम भी है और हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की टीम भी है, सिंध की भी है और बलोचिस्तान और पंजाब, चारों सूबों की टीम जो है यहाँ पर मौजूद हैं और वो करी है। आज जो है वो राउंड के मैचेस हैं और कल जो है सेमी फाइनल और फाइनल खेला जाएगा। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं और काफ़ी इनके अंदर जोश और जज्बा है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपने सूबे के लिए जो है वो यहाँ से फर्स्ट पोजीशन लेके जाएंगे। तकरीब में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कल हफ्ते के रोज फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीना फाजिल फियाज एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इकरा यूनिवर्सिटी फ्रॉम पास्ट 2 years एंड आई एम प्लेइंग टेबल टेनिस फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। लास्ट टाइम वी हैड विजिटेड लाहौर फॉर माय HEC टूर्नामेंट। इकरा यूनिवर्सिटी हैज़ प्रोवाइडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर द स्टूडेंट्स टू प्ले। अभी भी जो हम लोग का टूर्नामेंट हो रहा है ये इकरा यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया। लास्ट टाइम जो हम अपना लाहौर के लिए गए थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा हम लोगों को ट्रीट किया था और अभी इंशाल्लाह ऑन 7th of March वी विल बी गोइंग टू सखर फॉर आर HEC टूर्नामेंट। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान से 14 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो इस तरीके के टूर्नामेंट्स जो हम लोगों को यूनिवर्सिटी में आके प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म हर शहर में देना चाहिए ताकि हर एरिया के लोग, हर जो उनमें टैलेंट है वो बाहर आ सके। जैसे कि अभी हर एरिया से, हर सिटी से आए हैं स्टूडेंट्स इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैफ़ा आतिम है और आज के टूर्नामेंट में इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इकरा को। मैं उनके लिए एज अ थर्ड प्लेयर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनको। और आज का टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम माशाल्लाह 3 साल से ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हैं, तो इस साल उम्मीदें हैं कि हम इंशाल्लाह गोल्ड लेके आए अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। एज़ हम इकरा यूनिवर्सिटी हमारी होस्ट करवा रही है तो उम्मीदें तो बहुत अच्छी है कि इस दफ़ा का टूर्नामेंट भी अच्छा है, एनवायरनमेंट भी हमको बहुत ज़बरदस्त मिला है क्योंकि हर साल 2 साल से लाहौर के अंदर हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम आफ्टर 8 ईयर्स हम लोग कराची में ये ऑल पाकिस्तान नेशनल यूनिवर्सिटी होस्ट कर रहे हैं, तो उम्मीदें बहुत अच्छी है, हमारी टीम भी बहुत अच्छी प्रिपेयर हुई है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद इकबाल है, मैं UCB का कैप्टन हूँ और ये यूनिवर्सिटी आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट टेबल टेनिस बहुत अच्छी इवेंट है। इकरा यूनिवर्सिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छी हुई है, तो ऐसे मैचेज़ होने चाहिए ताकि पाकिस्तान में टेबल टेनिस को प्रमोट हो और प्रमोशन मिले और इससे पाकिस्तान के प्लेयर्स को फिजिकल एक्टिविटी का एक मौका मिलेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी बावलपुर का स्टूडेंट हूँ। मैं इंटर
यूनिवर्सिटी ऑल पाकिस्तान HEC का टूर्नामेंट खेलने आया हुआ हूँ। हमारा अभी क्वार्टर फाइनल हो रहा है, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि जीत के जाएंगे। और बहुत अच्छा इन्होंने इकरा यूनिवर्सिटी ने अरेंज किया हुआ है यहाँ पर सब कुछ, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, और हम पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। चीफ गेस्ट समेत मौजूद मेहमानों की जानिब से फातह टीम में मेडल, सर्टिफिकेट और दीगर इनामात तकसीम किए जाएंगे।